तो देखो, यहाँ से अगर तुम बात करोगे बेसिकली, तो मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ से प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियाई दिया हुआ है मास, तो बाइंडिंग इनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। तो जो हीलियम न्यूक्लियस अगर तुम देखोगे, तो इसमें भाई न्यूक्लियस में देखोगे तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो मास डिफेक्ट अगर एएमयू में है, ये एएमयू में है, तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होती है बाइंडिंग एनर्जी। मतलब न्यूक्लियस को बनने में जो मास का डिक्रीज हुआ है, मास डिफेक्ट निकालो तो हमेशा न्यूक्लियस का मास कम होता है फ्री प्रोटॉन्स और फ्री न्यूट्रॉन से। तो न्यूक्लियस जो है वो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो दो प्रोटॉन तो टू टाइम्स मास डिफेक्ट अगर मैं निकालूंगा, तो मास ऑफ न्यूक्लियंस जब न्यूक्लियस बनी नहीं थी, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि जब न्यूक्लियस बनेगी तो मास कम हो जाएगा, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है। तो मास ऑफ न्यूक्लियंस तो टू, मास ऑफ प्रोटॉन तो दो प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ से तुम बात करोगे तो टू टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन की कितनी है, तो 1.0073, और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.0087 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की मास 4.0015 के इक्वल है। तो अगर तुम यहाँ देखोगे बेसिकली, तो डेल्टा एम की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, डेल्टा एम मास इफेक्ट जब इसको कैलकुलेट करोगे, तो 0.0305 AMU एटॉमिक मास यूनिट में रहता है। तो अगर एटॉमिक मास यूनिट में है, तो डायरेक्ट तुम बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हो, और उस बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी वो 0.0305 और मल्टीप्लाइड बाई 931.5। तो पूरा आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। इस हिसाब से 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन मतलब हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन सही है।